मैं पिछले 1 साल से खेल रहा था, मैं करीबन 4-5 बार बहुत नजदीक गया था, अच्छा अमाउंट नहीं आया, लेकिन मैं आज कल जो CSK और RCB का मैच था मैं विन किया हूँ, फर्स्ट रैंक पे मैं आया था। कैसे सूचना मिली कि आप करोड़पति? सूचना मुझे मिली थी, मैं पहले तो मैं फर्स्ट इनिंग में मोबाइल पे मैं देख रहा था गेम, उसके बाद मैं तो ड्रीम इलेवन ऐप पे ही देख रहा था, तो विनिंग तक मैं देखा और आंखों देखते ही मैं विन किया था। यानी रात में जागे हुए थे? बिल्कुल जागे हुए थे। कहते हैं किस्मत अगर साथ दे तो आप रात को भी सोना बना सकते हैं, दरअसल कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बिहार के खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के रहने वाले रजनीश यादव ने। ड्रीम इलेवन में कैसे सपना पूरा हुआ? मैं पिछले 1 साल से खेल रहा था, मैं करीबन 4-5 बार बहुत नजदीक गया था, अच्छा अमाउंट नहीं आया, लेकिन मैं आज कल जो CSK और RCB का मैच था मैं विन किया हूँ, फर्स्ट रैंक पे मैं आया था। कैसे सूचना मिली कि आप करोड़पति? सूचना मुझे मिली थी, मैं पहले तो मैं फर्स्ट इनिंग में मोबाइल पे मैं देख रहा था गेम, उसके बाद मैं तो ड्रीम इलेवन ऐप पे ही देख रहा था, तो विनिंग तक मैं देखा और आंखों देखते ही मैं विन किया था। यानी रात में जागे हुए थे? बिल्कुल जागे हुए थे। अब आप क्या करना चाहेंगे, क्या सपना है जो पूरा करना? सर मेरा जो फैमिली है और जो कहेंगे मेरे हिसाब से मैं वही करूंगा। काम क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या? मैं स्टील रेलिंग का काम करता हूँ। अब क्या इस काम को करेंगे या प्रोफेशन बदलेंगे? काम को फिर से अच्छा तरह से करने के लिए सोचूंगा। माता पिता का कौन सा सपना है जो पूरा करेंगे? हम लोगों का छोटा सा सपना होता है, मिडिल फैमिली से हैं और वही सपना हम पूरा करेंगे। दोस्तों के लिए क्या करेंगे? मेरे सभी दोस्त बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं और अभी फिलहाल सभी इंजॉय कर रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं। दोस्त में जो जरूरत होगा मैं उसको पूरा करूंगा। कैसे सूचना मिली कि आपके दोस्त करोड़पति बन गया, कितनी खुशी है? रात लगभग 12:30 बजे हम लोग साथ में ही खेलते हैं और रहते भी हैं, और फिलहाल यहाँ झखरा गांव में एक टूर्नामेंट का भी आयोजन किया है, तो हम लोग लगातार जुड़े रहे पिछले कुछ दिनों से। रात 12:30 बजे ये इनका मित्र लोग हमको कॉल किए जो ड्रीम इलेवन में फर्स्ट रैंक ला के रजनीश जी विजेता हुए हैं, और इधर अगल बगल में जो भी गाँव है, इमली, झखरा, सोनिहार, लक्ष्मीपुर, छिलकोरी, बहादुरपुर, ये अगल बगल के जितने भी युवा क्रिकेटर है उसमें काफी उत्साहित है, और इस विनिंग के साथ सभी लोग का हौसला एकदम बुलंद है जो हमारे बीच में रहने वाले रजनीश जी आज ड्रीम इलेवन में करोड़पति बन गए। आपका लड़का करोड़पति बना है, कितनी खुशी आपको पता चला? हमको कोई पता, अभी तक भी पता नहीं। बताया जीत गया, कितनी खुशी हुई थी? थोड़ा बहुत खुशी हुआ, लेकिन भरोसा नहीं हुआ? भरोसा नहीं हुआ, अभी तक भरोसा नहीं हुआ। क्या नाम हुआ? जयमाला देवी। आपका लड़का करोड़पति बना, कितनी खुशी है? कुछ खुशी अभी नहीं छे। क्यों नहीं है? मतलब पता नहीं छे, लेकिन बोले छे ऐसे खुशी छे, लेकिन अभी तक ना पता नहीं छे कि जे रुपया आयल छे। अच्छा पैसा आ जाएगा तो क्या कीजिएगा? अब देखिए घर बनाए हैं, इसमें लगाएंगे और कर्जा जो है उसको देंगे, बच्चा छोटा वाला है उस सबको पढ़ाएंगे। कितना लगभग कर्जा है आपका? लगभग 5-6 लाख कर्जा है। पैसा आ जाएगा तो ये सब कीजिएगा? हाँ, बच्चा को पढ़ाएंगे। पैसा आ जाएगा आपके पास तो क्या कीजिएगा? देखे नहीं छे, गरीब आदमी छे, घर द्वार जाना छे, घर सही करवे, कर्जा छे, कर्जो आर वाला के देबे। कितना कर्जा है? कर्जा रजनीश यादव ने आगे बताया, उनके पिता 5 लाख रुपए कर्ज ले रखे हैं। पिता बताते हैं हमें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारा बेटा करोड़पति बन गया। अब वो अपना सबसे पहला सपना जो है घर का पूरा करेंगे, और जो 4 लाख से ज्यादा रुपए कर्ज का है कर्ज की राशि चुकाने की बात की है। खगड़िया से लोकल 18 के लिए नीरज कुमार।